आदाब नमस्ते सत श्री अकाल नाजरीन, मैं गीता शुक्ला, आप सबका खैर मकदम है पब्लिक टीवी न्यूज़ में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड, तेलंगाना स्टेट में 12% रिजर्वेशन वाकफ कमिश्नरेट, ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, तंजीम आवाज़, डक्कन वाकफ प्रोडक्शन सोसाइटी, सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में हुई। नाजरीन, और अपडेट्स के लिए पब्लिक टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सर, मीटिंग जो है ये मेन जो मुद्दा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा हुकूमत के जो वादे थे 12% रिजर्वेशन और उसके साथ साथ जो वक्फी जायदादों को तहफ़ इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत से दानिश्वर यहाँ पर हमारे पास आए हैं। हम यही समझते हैं कि इस वक्त ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो कमीशन 21st लॉ कमीशन जो कहा अननेसेसरी और अनडिज़रेबल, यानी अभी ज़रूरत नहीं है और कोई इसका जो है ना वक्त नहीं है। तो बस हम यही अपने हद तक समझते हैं कि ये सिर्फ खाली डिविजिव स्लोगन है और ये सरकार मरकज़ी हुकूमत नरेंद्र मोदी हुकूमत ये चाहती है कि इस बहाने जो कर्नाटक में जो उनको जो सेटबैक हुआ, अब आने वाले इलेक्शन में फिर कोई ना कोई ऐसा स्लोगन आना जिसकी वजह से लोगों में फूट पड़ना और इसका फ़ायदा उठाना। तो अब आवाम बहुत चौकन्ना हो चुके हैं, उनमें शऊर आ चुका है। जैसा अपने कर्नाटक के आवाम का जो बात है, अब हिंदुस्तान में भी मैं समझता हूँ कि लोग जो ना इनके चक्कर में आने वाले नहीं, असल इश्यूज़ के ऊपर अगर वो बात करेंगे तो रिस्पांस देंगे। ये इश्यूज़ से जो ना हिंदुस्तान को इत्तेहाद मुत्तहिद करना है ना बिल्कुल बेजा है। तो हम यही अपने हद तक समझते हैं। उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक, आर्टिकल 36 से 50 यहाँ तक थोड़ा सा अध्ययन मतलब परचेस हुआ है, अंदर हूँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का, उसको जो है पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो है अब आर्टिकल 44 के तहत UCC आता है, उसका रेफरेंस जो आया है उसको मिला है आर्टिकल 44 दस्तूर में जो मिला है, दफा जिसको कहते हैं दफे 44 है, उसमें ये कहा गया है भारत के आइंदा सरकारें, वहां स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आइंदा जो है भारत का स्टेट ये कोशिश करेगा कि सारे भारत के लिए, भारत के समाज के लिए एक साम एक उसूल बनाएगा, सिविल उसूल बनाएगा, बनाना चाहिए। ये ऐसे यहाँ के मुसलमान खासतौर से तालीम के मैदान के अंदर और माशी मैदान के अंदर और जो है कारोबारी नुक्ते नज़र से फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड है। इससे पहले 70 कमेटी की रिपोर्ट में भी यही बताया गया था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बताया गया था। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे KCR साहब हरदील अजीज की प्रिंसिपल जो सेक्युलर हैं और वाकई हमदर्द हैं आवाम के और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम एक इल्तिजा करते हैं कि भाई आप जो है खासतौर से औकाफी जायदादों के कुछ का जो तहफ़ कीजिए और जो आपने वायदे किए थे उसे पूरा कीजिए। तो मैं इस मौके पर हमारे जो भी लोग यहाँ शरीक हुए हैं मुख्तलिफ हमारे दूसरे तंजीमों की जानिब से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। के अंदर एक कॉमन सिविल कोड बल्कि एक इलेक्शन का मुद्दा बना के लेके आके ठहरा करें, ये कोई कॉमन सिविल कोड नहीं है। अंबेडकर का रूल्स बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट्स बन गए, क्या इस मुल्क के अंदर कोई सिविल कोड नहीं है। आज 75 साल में किसी गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आज ये गवर्नमेंट को कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत पड़ी। अरे मुल्क के अंदर क्या खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, अरे ये क्या कलर पहनना, क्या नहीं कलर पहनना, ऐसे चीज़ ऐसे इलेक्शन का मुद्दा बना के ठहरा है। इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, इस मुल्क के अंदर सारे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन का कोड बल्कि कॉमन सिविल कोड बन के बना है ये कोई नहीं है। अरे अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आज तक कोई 75 साल में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, आप क्यों ज़रूरत पड़े भाई कॉमन सिविल कोड की, ये इलेक्शन का कोड है। अरे आप इलेक्शन से पहले बताइए, आप ये सब कॉमन सिविल कोड ये ला रहे हैं तो इससे पहले बताओ, आप ट्रेन भेज दिए, प्लेन भेज दिए, स्टेशन भेज दिए। और बोलते थे इस मुल्क के GDP नीचे डाउन हो गया, डीजल का रेट, प्याज का रेट, गैस का रेट, उन चीज़ों को नहीं देखे आप कॉमन सिविल करके बता रहे। देखो एक लोगों को बता रहे कि हम कोर्ट्स लेके आ रहे हैं, इस कोर्ट्स का मतलब ये है कि इलेक्शन का एजेंडा बना के रखे हैं। अब हम इलेक्शन के एजेंडे को नहीं मानते, तमाम इस मुल्क के और बैरूनी मुल्क के तमाम हिंदू मुस्लिम लोगों से बता रहे हैं कि ये इलेक्शन का कोड है, इस कोड को आप जानिए,
इसकी साजिश में मत आइए और तमाम हिंदू मुस्लिम सब ईद ईसाई हम सब मिलकर रहने की हमारी ज़रूरत है। और तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहे हैं हम 12% रिजर्वेशन देते, बोले नहीं दिए, सब प्लान नहीं दिए और बोलते तो भाई माइनॉरिटीज़ के लोन्स अब तक लटक रहे हैं। हम तेलंगाना गवर्नमेंट से भी डिमांड करें कि इमीडिएटली माइनॉरिटीज़ को लोन दे। अरे लोन्स का क्या है, लोग अपने घर के छोटे छोटे चीज़ें गिरवी रख के लेके आके माइनॉरिटीज़ फाइनेंस के अंदर अपने लेके आके बोलते तो भाई लोन के लिए अप्लाई करें, लेकिन आज तक लोन नहीं है। केसीआर साहब से, महमूद अली साहब से हम डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली माइनॉरिटीज़ लोन्स के लिए लोन देना भी, बल्कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़।